सहजनवा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाज सेवी स्वर्गीय गौरी शंकर अग्रवाल जी ने विद्या भारती संगठन के अधिकारियों से प्रेरित होकर सहजनवा क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर सुलभ कराने हेतु एक विद्यालय की स्थापना का निर्णय किया तथा जून 26, 1999 को स्वयं की भूमि पर द्रौपदी देवी गीता देवी सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल नामक इस विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया। उनका विचार था एक ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की जाए जहां इस क्षेत्र के मध्यम एवं गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा लेकर स्वावलंबी एवं सर्वांगीण रूप से विकसित हों। उनके इस विचार को साकार करने में गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी का सहयोग मिला और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा सन 1999 से प्रारंभ हो गई। वर्तमान में विद्यालय में लगभग 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। बहुत शीघ्र विद्यालय की इंटरमीडिएट कॉलेज की मान्यता होने जा रही है। इसके पीछे स्वर्गीय गौरी शंकर अग्रवाल जी की सोच एवं श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। इसमें विद्यालय के प्रबंधक श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी का परिश्रम अमूल्य योगदान निहित है। वर्तमान में विद्यालय में 5600 वर्ग फुट में 2 मंजिल निर्मित भवन 19 कमरों के साथ भैया बहनों अध्यापक बंधुओं के लिए अलग अलग शौचालय तथा पीने के पानी के लिए 2-2 RO प्लांट की व्यवस्था है। विद्यार्थियों के लिए संपन्न पुस्तकालय भी है। आय व्यय का लेखा जोखा कंप्यूटरीकृत है। संपूर्ण परिसर का सौंदर्यीकरण भी निरंतर किया जा रहा है। विद्यालय निरंतर स्वर्गीय गौरी शंकर अग्रवाल जी की सोच के अनुसार एवं गैलेंट ग्रुप के सहयोग से विकास की ओर अग्रसर है। शीघ्र ही विद्यालय में 3500 वर्ग फुट का भवन तथा प्रयोगशाला एवं अन्य सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए आर्थिक सहयोग करने की स्वीकृति गैलेंट ग्रुप से प्राप्त हो चुकी है।